दोस्तों शाम के 5 बज गया और दोस्तों सो गया था गाड़ी में। अभी तक गाड़ी दोस्तों लोड नहीं हुआ, जब प्रोग्राम ही नहीं बना तो लोड किधर करने जाएंगे। बात किया दिनेश भाई से तो बोले कि TCI सप्लाइजर चेन वाले से है, लोग रात में हो जाएगा, अभी उधर खड़े रहो, जब फ़ोन करूँगा तो आ जाना। मैं बोला ठीक है। तो भाई साहब अभी मिले हैं, मैं जा पूछ रहा हूँ, उनके साथ आया हूँ चाय पीने के लिए। दोस्तों रात के 10 बज गया और दोस्तों आज जाके प्रोग्राम मिल गया गांधीधाम गुजरात का, जो कि दोस्तों लोड होगा बंसुधरा से। दोस्तों पार्किंग में पहुंचे, गाड़ी इधर साइड में लगा लिया, ये लगी है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं जिसके अंदर मारुति लोड होता है। एक भाई साहब जा रहे थे तो उनसे पता किया कि मतलब पार्किंग कितना लगता है, कितना नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ अंदर घुसा तो आवाज़ मार रहा हूँ, गार्ड साहब आ नहीं रहे। तो हे गाइस, कैसे आप सब? होप करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों गाड़ी सुबह के टाइम 10 बजे खाली हुआ, जो कि दोस्तों गाड़ी ला के इधर लगा दिया हूँ रोड के किनारे। और दोस्तों जो माल कल शाम के टाइम बता रहे थे दिनेश भाई, वो माल रेडी नहीं है, तो वो फ़ोन करके बोले कि आप उधर ही खड़े हो जाओ उधर। मैं बोला ठीक है, तो इधर खड़े हैं दोस्तों अभी। और दोस्तों शाम के टाइम गाड़ी ला के लगाया था कंपनी में, जो कि दोस्तों खाली नहीं हो पाया था नाइट में, जो कि बोला था 2 घंटे के अंदर खाली हो जाएगा, लेबर लोग को बुलाया हूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, मैं चाय पीने गया था, चाय पीने के बाद आया, बैठा था गाड़ी में, फिर जाके मैं पूछा कि भाई साहब इतना समय हो गया, बंदे क्यों नहीं आए अभी तक। बोले भाई बंदे आने के लिए इनकार करके, कल खाली होगा सुबह के टाइम और गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी में तुम्हारा माल क्रॉसिंग होगा। मैं बोला ठीक है। फिर दोस्तों सुबह के टाइम बंदे पता नहीं कब आए, क्रॉसिंग वरासिंग कर दिए, बगल में एक गाड़ी लगी थी उसमें डाले थे। और फिर दोस्तों मैं सुबह 9:30 बजे उठा, उसके बाद में जाके सिक्योरिटी गार्ड से बोला रिसीविंग दे दो, तो बोला कि भाई आप जाके गाड़ी में बैठो और जैसे मिलता वैसे रिसीविंग देते हैं। मैं बोला ठीक है। फिर दोस्तों गया बड़ा सरस क्या, वैसे गया चाय पी के, आया गाड़ी पर। जैसे ही दोस्तों गाड़ी पे आया, वैसे ही बोला भाई गेट बंद करो, गाड़ी लेकर जाओ, पे लो अपना रिसीविंग। मैं बोला ठीक है, रिसीविंग दिया दोस्तों। उसके बाद में गाड़ी लेकर वहाँ से निकाल के इधर ला के खड़ा कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लोड तो हो जाना चाहिए लेकिन देखो। और दोस्तों कंपनी में था तो बर्तन रखने के लिए एक ट्रे मांगा था, जो कि बंदे ने दे दिया था, बहुत अच्छे बंदे हैं, तो दे दिया, बोला कोई बात नहीं लेकर चले जाओ। तो वो ज़्यादा महंगा आता नहीं है दोस्तों, 250-300 का आता, तो वो दे दिया था, जो कि दोस्तों अपने पास अब ट्रे हो गया, लेना नहीं पड़ेगा, अब खाली वही गैस का जो काम है वही खाली करवाना पड़ेगा। बस इस चक्कर चलते हैं दोस्तों, तो गैस का भी काम करवा लेते हैं। दोस्तों गाड़ी का साफ सफाई करके ओके कर दिया। और दोस्तों यही ट्रे लिया था कंपनी से, जो कि दोस्तों इसमें बर्तन वर्तन रख दिया हूँ। और इधर साइड पूरा साफ हो गया दोस्तों, उधर भी पूरा साफ कर दिया, दोनों साइड का दोस्तों पूरा साफ हो गया। अब दोस्तों बैठ के इंतजार करते हैं कि आर्डर निकले, उसके बाद में जाएं लोड करने। अभी दोस्तों टाइम हो गया 12, देखते हैं दोस्तों आज लोड हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लोड तो हो जाना चाहिए लेकिन देखो। अभी खाना नहीं खाया हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ सामने होटल दिख नहीं रहा था, पूरा कंपनी ही कंपनी दिखाई दे रहा है, इसीलिए दोस्तों गए नहीं हैं। और दोस्तों 1 बज जाए उसके बाद में जाते हैं, देखते हैं होटल किधर है किधर नहीं है, फिर खाना खाते हैं। और दोस्तों इसी चक्कर से खाना बनाना चालू कर देंगे। जैसे हरिहर पहुँचे, बस यही टूटा हुआ है, कई बार दिखा चुका हूँ, ये वाला नहीं है, बस यही वाला लगवाना है, ये लग जाएगा फिर ओके हो जाएगा। दोस्तों शाम के 5 बज गया और दोस्तों सो गया था गाड़ी में, अभी तक गाड़ी दोस्तों लोड नहीं हुआ, जब प्रोग्राम ही नहीं बना तो लोड किधर करने जाएंगे। बात किया दिनेश भाई से तो बोले कि TCI सप्लाइजर चेन वाले से है, लोड रात में हो जाएगा, अभी उधर खड़े रहो, जब फ़ोन करूँगा तो आ जाना। मैं बोला ठीक है। तो भाई साहब मिले हैं, मैं जा पूछ रहा हूँ, उनके साथ आया हूँ चाय पीने के लिए। दोस्तों रात के 9 बजने वाला, अभी तक दोस्तों कोई प्रोग्राम बना नहीं। दिनेश भाई के पास एक बार फ़ोन लगाया था दोस्तों, जो कि हमारा फ़ोन उठाया नहीं, इसलिए दोस्तों फिर दोबारा लगाया ही नहीं। और दोस्तों मैं जिधर गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, इधर से आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इधर से जैसे मैं थोड़े आगे जाऊँगा ना, टी पॉइंट पड़ जाएगा, टी पॉइंट से अगर दोस्तों मैं ले मार के कहीं होटल देख के खड़ा करते हैं ना, तो अगर दिनेश भाई बोल देते हैं कि आपको नील बगल आना है, तो हमको 7 से 8 किलोमीटर रनिंग करके जाना पड़ेगा हाईवे पर चढ़ने के लिए। अगर हम यहाँ से राइट मार के जाएंगे ना, तो 1.5 से 2 किलोमीटर हाईवे पड़ जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ से मैं जा नहीं रहा हूँ, इधर खड़ा हूँ। और दोस्तों मैं जिधर खड़ा हूँ ना, इधर होटल बिल्कुल नहीं है खाना खाने वाला, चाय की दुकान है जो कि दोस्तों इस समय बंद हो गया है, और खाना खाने के लिए दोस्तों हमको गाड़ी यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों दिनेश भाई के पास कॉल लगा रहा था कि अगर वो बोल देते कि नील बंगला आना है आपको, तो मैं गाड़ी लेकर यहाँ से निकल के कहीं होटल पर गाड़ी लगा के खाना खा लेता। और दोपहर के समय दोस्तों खाना खा नहीं पाया था, क्योंकि दोस्तों जब 12 बजे मैं साफ सफाई करके रेडी हुआ, फिर गाड़ी में बैठा था, फिर ऐसा लेटा, फिर सो गया, फिर वही शाम के टाइम आँख खुला,
नीचे बैठा था दोस्तों, तो मिर्जापुर के एक भाई साहब मिले, उनके साथ गया था चाय पीने के लिए, जो कि दोस्तों भजिया मिला था, तो भजिया लेकर खा लिया। इसीलिए दोस्तों इस समय तो भूख नहीं है, अगर कुछ ना खाया होता तो भूख लगता। अभी दोस्तों भूख लगेगा तो 10 बजे के बाद लगेगा, उसके पहले नहीं लगेगा। उसके पहले दोस्तों अगर पता हो जाता है कि हमको किधर जाना किधर नहीं, तो उधर लेकर चल के कहीं खाना वाना खाते। दोस्तों रात के 10 बज गया और दोस्तों आप जाके प्रोग्राम मिल गया गांधीधाम गुजरात का, जो कि दोस्तों लोड होगा बम सुंदरा से, और जिधर से लोड होगा दोस्तों उस कंपनी का लोकेशन मिल गया है। लेकिन दोस्तों इतने समय जाएंगे नहीं, पार्टी वाले से बात हुआ तो पार्टी वाला बोला भाई सुबह में लोड होगा, और ऐसा करना आप कि सेफ्टी जगह देख के कहीं खड़ा हो जाना, और वहां से आप 4-5 बजे निकलना, यहाँ आराम से 6-7 बजे तक पहुंच जाओगे तो अच्छा रहेगा, और जो कि आपकी गाड़ी कल डे में लोड होके निकल जाएगी। जितना जल्दी आप एंट्री करा दो कि उतना जल्दी आपका लोड हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, तो चल गया दोस्तों, लगाते हैं गाड़ी कहीं होटल पे, अगर होटल मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो पार्किंग में देख के लगा देंगे, आजू बाजू में खाना खाने वाला होटल होगा तो उधर चल के खाना खा लेंगे। और यहाँ से गांधीधाम का किलोमीटर पड़ेगा 1855 किलोमीटर, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मैप वाला है दोस्तों किलोमीटर, और दोस्तों जो हमारे मीटर वाला किलोमीटर होगा ना ये जास्ती गिरेगा, और जो ये मैप वाला रहता है मैप वाला किलोमीटर सही नहीं बताता है, सही बताता होगा लेकिन हम जहाँ गाड़ी जाते हैं आगे पीछे करते हैं होटल होटल पे लगाते हैं, ये सब जो किलोमीटर होता है ना ये कट जाता है, बताता नहीं। और रीडिंग वाला है, बैक करोगे तो भी कवर होगा, आगे जाओगे तो ही कवर होगा, दोनों साइड का कवर होता है, इसलिए ये मीटर सही है, मैप वाला सही नहीं है ड्राइवरों के लिए। चलते हैं दोस्तों गाड़ी यहाँ से निकाल के आगे कहीं लगाते हैं पार्किंग वार्किंग देख के। दोस्तों पार्किंग में पहुंच गए, गाड़ी इधर साइड में लगा दिया, ये लगी है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं जिसके अंदर मारुति लोड होता है। एक भाई साहब जा रहे थे तो उनसे पता किया कि मतलब पार्किंग कितना लगता है कितना नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ अंदर घुसा तो आवाज़ मार रहा हूँ गार्ड साहब आ नहीं रहे थे, तो उस लड़के से पूछा तो वो बोला भाई हमको खुद ही नहीं मालूम। मैं बोला यार तो ये पार्किंग किसकी है, बोला ये कंपनी वाले का, टोयोटा वाले का। मैं बोला यार अपने को लगाने देगा कि नहीं लगाने देगा, बोला यार लगा दे साइड में, जब कोई आएगा बोलेगा तो निकाल लेना। मैं बोला ठीक है। मैं बोला होटल होटल किधर है, तो बताया कि ये बगल में राजस्थानी होटल है, इधर जाके खाना खा लो। तो चल के दोस्तों खाना खाते हैं और इस होटल वाले से पता करते हैं कि पार्किंग में रुकने देंगे कि नहीं रुकने देंगे, अगर रुकने देंगे तो कितना लेंगे, और हमें सुबह 4 बजे ये जगा दे या 5 बजे लास्ट। अभी दोस्तों एक बंदे का फिर फ़ोन आया था, वो बोला भाई कैसे भी करके 8 बजे आप कंपनी पहुंच जाना। मैं बोला ठीक है। हाँ बड़े भाई खाना खा रहा, बोलो तो यार टाइम हो गया, हम तो मगर लगे। हेलो खाने में क्या क्या है? वही ये सेव भाजी, सेव बोला था क्या रायता, सेव भाजी लगा दो। कितने आदमी हो? सिंगल। तो भाई सब ये बताओ ये पार्किंग किसकी है? मेरी जान की क्या आपकी गाड़ी? हाँ जैसे था वाली गाड़ी भाई जी। राम राम। राम राम भाई जी। साइड में लगाया हूँ गुरु जी। हाँ लगाया साइड में। गार्ड साहब को आवाज मारा था, गार्ड साहब आई नहीं रहे। गाड़ी कोई नहीं है। अच्छा कोई नहीं है। कब जाओगे? 4 बजे भाई साहब। क्या दो रुपए की पर्ची कटती है? सही बताया यार, होटल से तुम्हारे खाना खा रहे हैं। अरे भाई ये रोड पे खड़ी कर दो गाड़ी, हमारा नहीं है पार्किंग दोस्त, ये हाईवे वाला देखे नहीं है यार, समझो बात। बाकी बात समझ सकता हूँ कि आप जैसे हाईवे पे करते हो वैसे करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो 100 रुपये पर्ची काट दो, और प्लस क्या नाम है आप हमको 5 बजे लास्ट पे जगा देना। जगाने वाला था मेरे भाई, ऐसा काम किए हम खुद यार, 7 बजे उठते मर गए भाई, पूरी रात काम करते हैं यार, पूरे दिन काम करते। देख रहे हो भाई लोग, जो भी कुछ करना होगा अपने को करना होगा। नहीं वो तो आपको इस पर सजे उठते तो जाना आपको। ठीक है कोई बात नहीं, आप खाना लगा लो फिलहाल। राजस्थानी झोपड़ी टाइप
रोटी में बटर लगा हो तो बहुत मजा दोगुना हो जाता है। हाँ बोलो भैया। खाना खा लिया दोस्तों, खाने का लगा 120 रुपया दोस्तों, और पार्किंग का पैसा भी दिया नहीं हो दोस्तों। कोई बंदा जब आएगा तो उसको दूंगा, होटल वाला सीधा मना कर दिया, भाई हमको नहीं चाहिए। मैं बोला कोई बात नहीं, लेकिन होटल वाला ये बोला कि भाई साहब गाड़ी उधर से निकाल के इधर ला के साइड में लगा दो, जो कि इधर कैमरा लगा हुआ है ये सामने दो रे, ये लौछिया रही थी हम जाने, मैं समझा हमको काटेगी, ये कैमरा लगा हुआ है दोस्तों। बोले इधर सामने रहेगी गाड़ी ना तो बराबर दिखेगा, कोई इशू नहीं हो पाएगा। वो उधर वाला जिधर आप लगाए वो दूसरे का पार्किंग है। मैं बोला ठीक है भाई, चल के लगाते हैं दोस्तों गाड़ी इधर। और दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। दोस्तों गाड़ी उस पार्किंग से लाके इस पार्किंग में लगा दिया हूँ दोस्तों, एकदम लास्ट में। दोस्तों देख सकते हो हमारे बगल में कंपनी है। अब चल के दोस्तों सोते हैं और सुबह के टाइम निकलेंगे यहाँ से, वही 5 बजे लास्ट का। दोस्तों रात के 2 बज गया, लेकिन दोस्तों नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, खाली कंपनी चालू है, बाकी दोस्तों ये सब गाड़ी वाले भाई साहब सो गए। ये देखो पूरा सुनसान है, खाली थोड़ा जो करवासना आ रहा है ना शोर शराबा हो रहा है, यानी ये इस कंपनी से आ रहा है सामने वाली से, नहीं तो एकदम दोस्तों सुनसान है।